तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये। ऑन 31 मार्च 2001 बोस एंड सेन लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस आफ्टर प्रिपेयरिंग इट्स पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। तो इसका मतलब है कि आपको इस कंपनी ने लेजर बैलेंसेस दे रखे हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग इट्स पीएनएल अकाउंट। तो मतलब इन्होंने अपना पीएनएल अकाउंट बना लिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और 31 मार्च 2001 के ईयर एंडेड है। तो आपको पहले दे रखे हैं क्रेडिट बैलेंसेस, है ना। तो मैं दोबारा से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करवा देता हूँ। क्रेडिट बैलेंसेस का मतलब है कि ये सारी चीज़ें या तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जाएंगी, है ना, और या फिर ये पीएनएल के रेवेन्यू साइड पर जाएंगी, या मतलब रेवेन्यू आइटम्स होंगे पीएनएल के क्रेडिट साइड पर जाएंगे। अब इसमें मज़ेदार बात आपके लिए ये है कि उसने पीएनएल ऑलरेडी बना दिया है, वो कह रहा है आफ्टर प्रिपेयरिंग पीएनएल अकाउंट, तो इसमें हमको पीएनएल बनाना भी नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन जो है एंड में जाकर पता है आपसे क्या बनवाएगा, ओनली बैलेंस शीट बनवाएगा। तो मतलब हमारे लिए बड़ा सिंपल हो गया। तो जितने भी ये क्रेडिट में आइटम्स होंगे ये सारे एक तरह से लाइबिलिटियाँ ही होंगी एक तरह से। बाकी नज़र मार लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। पहला आइटम आपको दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अब आप हेड सब हेड बताने की कोशिश करना, तो ये कौन से हेड सब हेड में जाएगा? शेयर होल्डर फंड में, वेरी गुड, शेयर कैपिटल, शाबाश। फिर जनरल रिजर्व, शेयर होल्डर फंड में, रिजर्व एंड सरप्लस, वेरी गुड। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, और ब्रैकेट में लिखा है इसके सिक्योर्ड बाय हाइपोथीटिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रीपेबल विद इन 1 ईयर, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो ये मैं सिखा देता हूँ, इस पर बाद में स्टार भी बनवाऊंगा, कि हमने जैसे स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन लिया है, ठीक है, तो लोन की फिगर उसने वैसे दे रखी है 10,50,000 रुपए, लेकिन उसमें से कह रहे हैं कि सिक्योर्ड, मतलब हमने अपना प्लांट और मशीनरी गिरवी रखवा रखा होगा, और लोन जो है वो रीपेबल है विद इन 1 ईयर 2 लाख रुपए। तो इस 2 लाख रुपए को हम इस बोरोइंग को कौन सी बोरोइंग मान लेंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्योंकि ये हमें 1 साल के अंदर पे करना है 2 लाख को। तो जो 10,50,000 में से 2 लाख का शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया, तो बचा हुआ कितना लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगा? 8,50,000। तो ये इस पॉइंट का मतलब क्रक्स हो गया। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग खाली 8,50,000 लेंगे और शॉर्ट टर्म बोरिंग 2 लाख लेंगे। बाकी उसका नाम क्या होता है वो मैं आपको खुद लिखवाऊंगा बाद में। उसके बाद लोन्स अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म, तो ये तो अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरिंग है ही है। सन्ड्री क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस पेबल विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर कह रहा है आपको क्रेडिटर पे करना है, तो ये क्या होगा? ट्रेड पेबल्स। पीएनएल अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, है ना, शेयर होल्डर फंड में। प्रोविजन फॉर टैक्स, 1 साल का ही होता है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी में, ठीक है। तो ये आपके सारे क्रेडिट बैलेंस हो गए। अब डेबिट बैलेंस देख लेते हैं। डेबिट बैलेंस का मतलब है ये सब कहीं ना कहीं एसेट से रिलेटेड ही होंगे। अब इसमें पहला आइटम दे रखा है कॉल्स इन अरियर। अब कॉल्स इन अरियर जो है, इस पर पहले आप बताओ, कोई बच्चा जिसने जिसको अपना बचपन याद है, हाँ, ये आपको अगर याद हो जब आप छोटे भी थे तब भी आपको सिखाया जाता था कि कॉल्स इन अरियर को शेयर कैपिटल में से क्या करना है आपको? माइनस करना है, बिल्कुल सही। तो ये मतलब आप किसी एसेट में नहीं लिखेंगे, इसको शेयर कैपिटल में से डिडक्ट करके शो करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, वो मतलब लैंड पीपी, बिल्डिंग पीपी, प्लांट एंड मशीन पीपी,
फर्नीचर फिक्चर पीपी, इन्वेंट्रियां तो इन्वेंट्री हेडिंग तो होती है करंट एसेट, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, शॉर्ट टर्म एडवांस ये भी करंट एसेट, शॉर्ट टर्म वाले एडवांस, कैश इन हैंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट वाला, बैलेंस विद बैंक ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट वाला, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये अदर, हाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस प्री, हाँ तो ये जिनको हम बचपन में फिक्टिशियस एसेट कहते थे या कूड़ा कहते थे, तो मतलब ये अदर एसेट्स हो गए, अदर करंट एसेट भी कह सकते हैं हो गए, और पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स ये इंटेंजिबल, तो ये सारे एसेट हो गए, ठीक है। फिर और आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव बैलेंसेस, ठीक है। तो ये हम ध्यान से आप बच्चे सब बच्चे मेरे साथ पढ़ना, तो कह रहा है कुछ और जानकारी भी मैं आपको देता हूँ। नंबर वन, नंबर वन कह रहा है 420,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड एज कंसीडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो देखो इसका मतलब समझा देता हूँ क्या है, जैसे हम कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं परचेज करते हैं, ठीक है, तो मान लो आपने कोई 42 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी होगी, तो नॉर्मली तो जब आप लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हो तो आप सामने वाले को पैसे दे देते हो टू बैंक, लेकिन आपने कहा होगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको बदले में क्या दे देता हूँ, अपने शेयर्स दे देता हूँ, मेरा एक शेयर 10 रुपए का है, तो आपने अपने कितने शेयर्स दे दिए उनको, 420,000, तो इसका मतलब ये हुआ होगा, है ना। तो ये जो पॉइंट होता है इसका हमें कोई ट्रीटमेंट तो करना नहीं, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी ये रही, वो ऑलरेडी हमारे पास होगी, शेयर्स वो भी ऑलरेडी हमारे पास होंगे, तो ये दो एक ट्रांजेक्शन उन्होंने जो बता रखी है, इट इज़ ओनली अ इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ क्या है इन्फॉर्मेशन, तो इसका काम है सिर्फ हमारे लिए डिस्क्लोजर करना, क्या है डिस्क्लोजर, तो हम इस बात को शेयर कैपिटल के नोट में ब्रैकेट में दिखाएंगे कि हमने इतने शेयर्स बिल्डिंग के बदले में इशू करे, तो इस पॉइंट का हमें कुछ नहीं करना, मतलब अकाउंटिंग कुछ नहीं करनी, इस पॉइंट को हमें सिर्फ डिस्क्लोज करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम डिस्क्लोज करने में यूज़ करेंगे बाद में। अब देखो सेकेंड पॉइंट में कह रहा है, सेकेंड और थर्ड एक साथ ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 28, कॉस्ट ऑफ प्लांट 49 और कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 437,500, ठीक है। अभी देखो इससे क्या है, बिल्डिंग प्लांट और फर्नीचर की उसने कॉस्ट दे रखी है और ऊपर उसने आपको बिल्डिंग की वैल्यू, प्लांट की वैल्यू और फर्नीचर की ये वैल्यूज भी दे रखी हैं, तो अगर आप कॉस्ट देखो कंपेयर करो तो कॉस्ट ज़्यादा है और ऑब्वियसली ज़्यादा ही होंगी कॉस्ट, और जो यहाँ वैल्यूज़ दे रखी हैं उसने वो कम है, इसका मतलब वो बुक वैल्यूज़ हैं, तो इससे पता है हमें क्या पता चलेगा बताओ, डेप्रिसिएशन। तो जब हम अपना प्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि भाई ये तो इन सब ये सब एसेट्स की कॉस्ट है, तो हम इससे डेप्रिसिएशन मतलब शो कर पाएंगे अपने नोट्स के अंदर, ये तो ये भी पॉइंट मतलब हमारे नोट्स में काम आएगा जब हम करेंगे। रिवैल्यूएशन तो वो बताता है ना, तो ये तो कॉस्ट दे रखी है, हाँ अगर बोलता तो रिवैल्यूएशन, लेकिन बोला तो नहीं। अब देखो ये बिल्डिंग की जो वैल्यूज दे रखी है, या तो इसके ब्रैकेट में वो कहता है ये कॉस्ट है, तो मैं मानता ये कॉस्ट है, लेकिन उसने ये तो कॉस्ट तो दी नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है बुक वैल्यू। उसके बाद देखो नंबर पाँच में लिखा है द अमाउंट ऑफ बैलेंसेज विद बैंक, तो इस नंबर पाँच का जो लिंक है वो मैं बता देता हूँ, वो अमाउंट ऑफ बैलेंसेज विद बैंक इससे है, नंबर पाँच का लिंक इससे है, तो इस पे फोकस करते हैं 1,729,000 पर।
तो कह रहे हैं 1,729,000 जो है, 1,729,000 जो है बैंक में हमारा पैसा पड़ा हुआ है, तो आपने 1,729,000 रुपए बैंक में डाल रखे हैं अपने, उसकी जानकारी दे रहा है। कह रहा है इंक्लूड्स 18,000 रुपए विद ए बैंक विच इज नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक। तो देखो, अगर कोई बैंक शेड्यूल्ड बैंक नहीं होता, अच्छा पहले तो थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ, शेड्यूल्ड बैंक ना होने का क्या मतलब है। आरबीआई जो होता है ना, आरबीआई आपको पता ही होगा कि बैंकिंग मॉनिटरी सिस्टम का सबसे बड़ा दादा होता है, तो आरबीआई का एक शेड्यूल 2 होता है, उस शेड्यूल 2 में आरबीआई के पास बहुत सारे बैंकों के नाम लिखे होते हैं। तो आप ऐसे फनी वे में समझ लो कि जिसका नाम उसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब आरबीआई का आशीर्वाद उसके सर पर है। उन बैंकों को हम मानते हैं अच्छे बैंक हैं क्योंकि इन पर दादाजी का आशीर्वाद है। लेकिन जिन बैंकों का नाम उस शेड्यूल में नहीं लिखा, तो वो मानते हैं गंदे बैंक हैं। अब हमारे 18,000 रुपए किसी ऐसे बैंक में रखे हुए हैं जो कैसा बैंक है, मतलब जो शेड्यूल्ड बैंक नहीं है, मतलब वो गंदा बैंक है। तो ये बात हमें डिस्क्लोज करनी पड़ती है, अपने यूज़र को बतानी पड़ती है कि भाई देखो, मेरे पास बैंक बैलेंस तो बहुत है 1,729,000 का, लेकिन उसमें से 18,000 रुपए मेरे किसी गंदे बैंक में रखे हुए हैं। तो ये सिर्फ एक डिस्क्लोजर के काम आने वाली चीज़ है, मतलब इसको, इस बात को हम डिस्क्लोज करेंगे, अपने यूज़र को बताएंगे कि 18,000 रुपए गंदे बैंक में रखे। अच्छा, फिर और क्या कह रहे हैं, एंड डिपॉजिट ऑफ 5,00,000 आर फॉर ए पीरियड ऑफ 9 months, और 5,00,000 रुपए मैंने किसी डिपॉजिट में रख रखे हैं जो 9 महीने की अवधि के। तो ये भी बात ना हमें थोड़ा सा बतानी पड़ती है कि भाई कोई ऐसा पैसा है जो 6 महीने से ज़्यादा का, तो ये भी हम डिस्क्लोज करेंगे, अपने यूज़र को बताएंगे कि भाई देखो, मेरे पास बैंक बैलेंस तो बहुत है। अब पता चला यूज़र सोचे बैंक बैलेंस है तो ये तो अगले दिन ही बैंक से विड्रॉ कर सकता है, लेकिन हमें अब यूज़र को बताना पड़ेगा कि नहीं, 5,00,000 रुपए जो हैं वो ऐसे डिपॉजिट में रखे हुए हैं जो कितने महीने बाद हैं, 9 महीने। तो ये बातें बस हमें डिस्क्लोज करने के काम आती हैं, ये बातें है। तो समझ आ गया ना, तो ये पूरा पॉइंट डिस्क्लोजर के लिए यूज़ होगा। अच्छा, ऐसी 6 पॉइंट, मतलब फिगर से कुछ मतलब नहीं है लेकिन डिस्क्लोजर से मतलब है, फेयर व्यू मिले। हाँ, अब जैसे 6 पॉइंट पढ़ो, ये भी फेयर व्यू के लिए होता है। देखो, अनसिक्योर्ड लोन, तो देखो मैं आपको अनसिक्योर्ड लोन पर लेकर चलता हूँ, 0.6 अनसिक्योर्ड लोन, ये रहा ऊपर था लाइबिलिटी में, ये रहा है ना, अनसिक्योर्ड लोन का है 0.6, 847 है ना। अब मेरे पास मैंने लोन ले रखे हैं 847 के, लेकिन अब मुझे यूज़र को बताना पड़ेगा, देखो कि मैंने लोन ले रखे हैं ना 847 के अनसिक्योर्ड लोन, तो इंक्लूड्स 2,00,000 रुपए फ्रॉम ए बैंक, तो मैं यूज़र को बताऊंगा कि भाई देखो 2,00,000 तो बैंक से लिया है, 1,00,000 फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज़, और 1,00,000 रुपए मैंने अपने किसी जान पहचान के लोगों से लिया है, तो ये बात मैं यूज़र को बता दूँ, तो ये भी एक डिस्क्लोजर के लिए काम आ जाएगी कहानी। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 7, एंटायर अमाउंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बी रिटर्न ऑफ। कह रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के सारे पैसे को, सारे अमाउंट को राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ का मतलब होता है कि भाई खत्म कर दो, तो कहाँ है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये था। तो कह रहा है 93,100 को ख़त्म कर दो। अब ख़त्म कैसे कर दो, ऐसे पेंसिल से काट तो सकते नहीं कि ख़त्म कर दिए, तो वो बता रहे आगे कि कहाँ से ख़त्म कर दो, बाय एडजस्टिंग फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस 93,100 रुपए को ख़त्म करूँगा, कहाँ से ख़त्म करूँगा, जनरल रिजर्व से। तो ये जो जनरल रिजर्व हमें दे रखा है 1,539,100, इसमें से मैं 93,100 कम कर दूँगा, किस बात के, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर। तो समझ आ गया वाला पॉइंट, तो ये हम 0.7 करेंगे। हाँ, नुकसान कुछ नहीं, मतलब अगर आप इसको जर्नल एंट्री के भाव से समझो तो जनरल रिजर्व डेबिट हो गया और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्रेडिट हो गया। तो हमने अपना एक एसेट ख़त्म कर दिया क्योंकि वो एक फिक्टिशियस एसेट है, और उसको रिजर्व से राइट ऑफ करवा दिया, PNL की बजाय रिजर्व से राइट ऑफ करा। नहीं नहीं, शो नहीं करना, वो तो हम नोट्स में शो कर देंगे, माइनस करेंगे। फिर देखो क्या कह रहा है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड
टू गिव प्रीवियस ईयर फिगर्स, कह रहा प्रीवियस ईयर फिगर मत देना, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज ऑन 31 मार्च एज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। चलो तो हमें एक सुंदर बैलेंस शीट बनानी है और फॉर्मेट तो आपको पता ही है, तो लिखो सॉल्यूशन। तो पहले हम बैलेंस शीट का ढांचा बना लेते हैं कोरा कोरा। अब तो हमने आइटम्स पढ़ ही लिए है ना, तो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और रुपी। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और 31 मार्च 2021 रुपी। तो बताओ क्या होता है खेल। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसके नीचे पहला मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड, उसके नीचे पहला सब हेड शेयर कैपिटल, उसमें लिख लो नोट वन, और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें लिख लो नोट टू। अच्छा अब वो तो होगा नहीं, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट का चक्कर, वारंट वारंट तो होगा नहीं है ना, तो फिर सीधा हम सेकंड मेन हेड क्या लिख लेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज। लंबी अवधि की लायबिलिटीज में पहला सब हेड कौन सा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसका नोट नंबर 3। बाकी लॉन्ग टर्म प्रोविजन कोई नहीं है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कुछ होती नहीं है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कुछ नहीं है, तो बाकी सब छोड़ देते हैं। तो तीसरा मेन हेड लिख लेते हैं करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में पहला सब हेड, एक तो ट्रेड पेबल सबसे पहला, शॉर्ट टर्म बोरिंग हाँ वो भी लिख लेते हैं। तो ऊपर कौन आता है, शायद ट्रेड पेबल आते हैं ना ऊपर, अच्छा पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग आते हैं। अच्छा ठीक, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग इसको नोट नंबर 4 दे देते हैं, और बी फिर ट्रेड पेबल्स है ना, ये तो हमको डायरेक्ट गिवन था तो छोड़ देते हैं, और सी था एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी था। इसको नोट नंबर 5 दे देते हैं बस, और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं था। तो ये हो गया लायबिलिटियों का टोटल। फिर आगे बनाते हैं नंबर 2 मेन मेन हेड एसेट्स। इसमें पहला मेन हेड क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स, तो इसमें पहला सब हेड पीपीई और दूसरा इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि दोनों ही हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। पीपीई को नोट 6 दे देते हैं, इंटेंजिबल एसेट का नोट 7 दे दें है ना बस, और तो कुछ होगा नहीं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है नहीं, फॉर्मूला अंडर डेवलपमेंट है नहीं, तो छोड़ देते हैं। फिर दूसरा मेन हेड क्या, करंट एसेट्स।
तो करंट एसेट्स में क्या क्या सब हेड हैं, मतलब ऑर्डर वाइज इन्वेंट्रीज, नोट नंबर 8 दे देते हैं, ट्रेड रिसीवेबल नोट नंबर 9 दे देते हैं, उसके बाद था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, और एक शॉर्ट टर्म एडवांस था, शॉर्ट टर्म एडवांस या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस पूरे लिखते हैं नाम, ये डायरेक्ट गिवन था तो इसका नोट छोड़ देते हैं। बाकी अदर करंट कुछ थे नहीं शायद, और टोटल हाँ वो तो सब वर्किंग में आ जाएगा, मतलब नोट्स में आ जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ तक सबको बिल्कुल ओके, चलो तो ये तो अपना कोरा कोरा छोड़ देते हैं। अब हम इसी के नीचे लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट, अब वो ऑर्डर वाइज ऑर्डर बना लेते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन का एनालिसिस कर ही लिया था, और 1 से शुरू करके 10 नोट्स बना लेते हैं और इसमें फिगर डालते रहेंगे साथ साथ जो भी आती रहेंगी। तो इसके नीचे बना लेते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, तो 1 से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 नोट हमने किसको नाम दिया था, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, चलो तो इसमें देखो ऐसे लिखना है, वही सेम कहानी, ऑथोराइज्ड कॉमा इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ये एक हेडिंग बना ली, ऑथोराइज्ड इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब इसमें देखकर आते हैं एक बार सवाल में कि कंपनी की कितनी शेयर कैपिटल दे रखी थी, इक्विटी शेयर फुल्ली पेड ऑफ 10 70 लाख है ना, और एक कॉल सिनेरियर रूपी आइटम था, ये भी ध्यान रखेंगे 7000 का, और 1.1 था जिसमें एक जानकारी दे रखी थी शेयर से संबंधित जो हमें डिस्क्लोज करनी। तो अब देखो कैसे शो करेंगे इन बातों को, तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे 7 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, और अंदर लिख लेंगे 70 लाख। अब इसके ब्रैकेट में यूज़र को बताना पड़ता है हमें, तो यहाँ वो ब्रैकेट बनता है। अब हम यूज़र को बताते हैं कि भैया आउट ऑफ द अबव, मतलब इन 7 लाख में से, भाई यूज़र तो सोच रहा है अच्छा कंपनी ने 7 लाख शेयर इशू करें तो इसका मतलब 70 लाख रुपए आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है ना सच, क्योंकि कंपनी को 70 लाख रुपए नहीं मिले, इसमें से कंपनी ने तो 4,20,000 इक्विटी शेयर्स, आउट ऑफ द अबव 4,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपी 10 ईच हैव बीन इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, या अगर आपको बचपन याद हो या आपको टॉपिक पढ़ाए जाते थे जिसमें आप वेंडर से कुछ एसेट खरीदते थे और बदले में उसको शेयर देते थे, तो उसको यही बोलते थे ना कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब हमने 4,20,000 शेयर्स तो ऐसे दे रखे हैं जिसमें हमको कोई कैश नहीं मिला, वो तो हमने मशीन खरीदने के बदले में दे रखे, तो ये बस डिस्क्लोज करना है। तो मतलब जो आपका एडजस्टमेंट का 0.1 है ना, उसका रोल ये ख़त्म हो गया, दिस इज़ योर एडजस्टमेंट 0.1, आई होप क्लियर हो गया सबको, एडजस्टमेंट का 0.1 ये है बस, डिस्क्लोज करना है बस, ख़त्म, काम ख़त्म, और कुछ नहीं है इसका काम।
बस बाकी अपना नॉर्मल, अब जो काम हमें करना है वो करते हैं। लेस क्या करना है? कॉल सिनेरियो 7,000 रुपये। तो 70 लाख में से 7,000 लेस कर दो, कितना बच गया? 69,93,000। ठीक है, तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? तो इसको अब आप अपने बैलेंस शीट में ऊपर लिख लेते हैं, 69,93,000। बस तो ऐसे करना है, वेरी सिंपल। अब सेकंड नोट पकड़ेंगे, सेकंड नोट को सॉल्व करेंगे और फिर उसका फिगर लिख लेंगे। तो सेकंड नोट है रिजर्व एंड सरप्लस। तो नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस के देखकर आते हैं, उससे संबंधित क्या क्या एडजस्टमेंट थी या क्या क्या पॉइंट दे रखे थे। तो रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड एक तो एडजस्टमेंट 7 थी, और बाकी आइटम्स की अगर बात करें रिजर्व एंड सरप्लस के, तो 2 आइटम्स थे, एक पीएनएल और एक जनरल रिजर्व ऊपर। ठीक है, तो बस जनरल रिजर्व और पीएनएल और ये एडजस्टमेंट। चलो तो आ जाओ, हाँ तो वैसे ही शो करेंगे। तो ए लिख लेते हैं जनरल रिजर्व, ए लिख लेते हैं पहले जनरल रिजर्व, अंदर लिख लो 15,49,100। और इसमें से माइनस कर दो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये बस माइनस करना, मतलब आपने क्वेश्चन का कौन सा एडजस्टमेंट पॉइंट कर लिया, 7। बस कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं 93,100 वो इसमें से माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा? ठीक। इससे अब हमारा एसेट खत्म हो गया। तो इधर से देखो आप बैलेंस शीट के ऐसे नजरिए से सोच लो, एसेट कम हो गया और लायबिलिटी से रिजर्व कम हो गया, तो बैड मैच हो जाएगा। और दूसरा बी, पीएनएल अकाउंट, वो तो 7 लाख दे ही रखा है, वो तो सीधा बाहर ही लिख सकते हो। हाँ, 7 लाख को कहाँ लिखना चाहते हो, अंदर? अच्छा, 1456 को भी अंदर करके उसको बाहर करना चाहते हो, वो भी ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी कर लो। तो अल्टीमेटली तो कितना टोटल आ रहा है, 21,56,000। तो मतलब हम रिजर्व एंड सरप्लस में 21,56,000 लिख लेंगे। तो क्लियर है भाई सब बच्चों को? तो 21,56,000 रुपए रिजर्व एंड सरप्लस में ऊपर यहां पर आप लिख लो, 21,56,000। फिर इसके बाद नोट नंबर 3 है लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो अगला नोट बनाते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में मेरे ख्याल से एक आध बातें भी थी, देख लेके आते हैं जरा। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या था? तो पहले ऊपर से ही देखते हैं आइटम। तो देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग के उसने क्या दे रखे थे, वो वाला थर्ड वाला लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, है ना, 10,50,000 का दे रखा था, लेकिन हमने फिर उसमें पढ़ लिया था तो 2,00,000 का शॉर्ट टर्म में चला जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में हम सिर्फ कितना लिखेंगे, पहले तो 8,50,000 लिखेंगे। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन था लॉन्ग टर्म वाला, उससे रिलेटेड पॉइंट 6 में क्या स्टोरी दे रखी थी वो भी पढ़ लेते हैं।
पॉइंट सिक्स में स्टोरी दे रखी थी कि अनसिक्योर्ड लोन में 2 लाख आपने बैंक से लिया है, ठीक है, 1 लाख आपने अपने रिश्तेदारों से लिया है, चाचा ताऊ से, ठीक है, तो बचे हुए इसका मतलब कहीं और से लिया हो। तो बस ये जानकारियाँ अब हमें कायदे से दिखानी पड़ेंगी। तो अब देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कैसे कैसे लिखेंगे हम। तो सबसे पहले तो ए लिखते हैं, लोन फ्रॉम SFC, मतलब वही स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इसमें ऐसे दिखा दो 10,50,000 माइनस 2 लाख, क्योंकि 2 लाख छोटी अवधि का था, तो बाहर लिख लेते हैं 8,50,000। उसके बाद बी। अच्छा, अब ये पता है, ये जो पहला SFC से लोन था, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, इस लोन को हमने क्या गिरवी रख कर ले रखा था, अगर आपको वो याद हो एग्जैक्ट, हाइपोथेटिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीन। तो इसको ना, इस वाले ए वाले को इसीलिए कहते हैं सिक्योर्ड लोन। कौन सा लोन कहते हैं? सिक्योर्ड लोन, क्योंकि इसके बदले में हमने अपना कोई एसेट मतलब गिरवी रख रखा है, तो इस लोन को कह देते हैं सिक्योर्ड लोन। तो ये बात हमें डिस्क्लोज करनी पड़ती है, तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं सिक्योर्ड बाय हाइपोथेटिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीन। तो ये डिस्क्लोजर भी हो गया। और बी, दूसरे कौन से लोन थे? अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स थे हमारे, एक बार देख के आ रहा हूँ, 847 के, है ना। अब देखो हमें उसमें बताना पड़ेगा कि भाई अनसिक्योर्ड लोन्स जो हैं उसमें, पहली बिंदी डाल के लिख लेते हैं, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से कितना लिया था? 2 लाख। दूसरी बिंदी डाल के, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टीज से कितना लिया था? 1 लाख। तो इसका मतलब बाकियों को कहते हैं अदर्स। तो ये आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल तो हमें पता ही है ना अनसिक्योर्ड कितना है, 847। तो 847 में से 2 लाख बैंक से लिया, 1 लाख रिलेटेड पार्टी से लिया, तो कितना बच गया? 547। तो ये डिस्क्लोजर करना बेसिकली, ये आपका पॉइंट एडजस्टमेंट का, मतलब जो 5 है वो हो गया 6 मतलब, हाँ। तो ये आपका, ये डिस्क्लोजर करना एक तरह से एडजस्टमेंट का 0.6 हो गया। क्लियर हो गया सबको? तो समझ आया? बस अब आप लॉन्ग टर्म बोरिंग जोड़ लो, टोटल 1697। तो 1697 को लॉन्ग टर्म बोरिंग में ऊपर लिखकर आ जाते हैं, 1697। अब अगले नोट पे चलते हैं। अगला नोट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 4। तो इसके बाद बनाते हैं नोट नंबर 4, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में मेरे ख्याल से एक ही चीज़ थी, बस बताओ क्या थी? वही जो SFC से लोन ले रखा था, लेकिन कितने महीने में पे करना था, मतलब सॉरी विद इन 1 ईयर, 2 लाख का, है ना। तो इसको एक एग्जैक्ट टर्म से पुकारा जाता है, तो वो आपको सबको याद रखना है, इस पे आप स्टार लगा लेना, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मान लो पहले आपसे पूछता मैं कि आप क्या लिखते नाम इसका, मान लो ये 2 लाख रुपए जो है ना, इसको अगर मैं आपसे पूछता कि भाई आप क्या नाम दोगे, तो आप तो क्या मतलब
आप क्या लिखते, या तो आप लिखते लोन फ्रॉम SFC लिख देते, पेबल विद इन वन ईयर, है ना। लेकिन इसको ये नहीं कहते, इसका एक एग्जैक्ट नाम है जो हम सबको लिखना है और याद रखना है, वो है, लिखो मेरे साथ, इन्हें बोला जाता है करंट मैच्योरिटीज। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, और ब्रैकेट में लिख सकते हो लोन रीपेबल विद इन वन ईयर। लेकिन आपको ये नाम याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं ब्लॉक कर देता हूं, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ साल पहले ये सब हेडिंग अदर करंट लाइबिलिटी में जाया करती थी, लेकिन अब इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग में डाला गया है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बात। तो इसका मतलब ये होता है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का मतलब ये होता है, एक बार समझा देता हूँ, कि मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन उसमें से 2 लाख रुपए मुझे एक साल में पे करना है, तो उस 2 लाख को हम बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है ना। तो ये टर्म होगा इसकी, बस तो ये दिखाना है हमें 2 लाख रुपए, बाकी 2 लाख लिख लेते हैं बैलेंस शीट में ऊपर, शॉर्ट टर्म बोरिंग 2 लाख। तो यहां तक बिल्कुल ओके मामला, ठीक है। अब उसके बाद है ट्रेड पेबल्स, वो हमने खाली छोड़ रखा था क्योंकि वो डायरेक्ट दे रखा है, तो ट्रेड पेबल हम ऊपर से दिखाते हैं कितना था, ये रहा 14 लाख रुपए। तो ट्रेड पेबल्स आप सीधा सीधा लिख लो 14 लाख रुपए। हाँ, मतलब क्रेडिटर्स दे रखे ना, एक ही आइटम है, अगर बिल्स पेबल भी होता तो फिर मैं अलग से नोट बना। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 5, तो आ जाओ जी नोट नंबर 5, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मुझे लगता है एक ही आइटम था, है ना, और हमने उसी के लिए नाम शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया था, और कौन सा था शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एक ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 8-16-900, बस तो यही लिखना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 8-16-900। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 8-16-900, तो बैलेंस शीट में भी लिख लो 8-16-900। तो अब आप लायबिलिटी का टोटल कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजन नाम से समझ नहीं आएगा ना किसी को कि क्या क्या है, कि टैक्स का प्रोविजन है, ग्रेचुटी का प्रोविजन है, किस चीज का प्रोविजन है, तो इसलिए नोट दिखाते हैं 1,6,1,3,2,6,5,6, ठीक है। तो मतलब 1,32,65,600, तो ये लिख लो आप। तो एसेट का कर लेंगे, तो एसेट का भी अगर सेम आ गया तो इसका मतलब हम होशियार हैं, नहीं तो आपकी गलती। ये नहीं आ रहा 1,62,000, अच्छा ये आ रहा है, तो बंदर को तलवार दे दी, लेकिन बंदर जो है तलवार गलत चला रहा है ना, तो कैल्सीबर सही बटन दबाने हैं भाई, तो इसको जोड़कर एक बार कर लो क्रॉस कर, यही आ रहा है सही, ठीक है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, तो 1,32,62,900, चलो ठीक है, चलो देख लेंगे, बाकी एसेट पे चलते हैं, एसेट का भी यही आ गया तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है।
तो अब एसेट्स में हम चलते हैं, नोट नंबर 6 की तरफ प्रस्थान करते हैं, पीपीई। चलो तो नोट नंबर 6, पीपीई। तो पीपीई में मेरे ख्याल से बहुत सारी पीपी थे और उसकी एडजस्टमेंट में भी कुछ बातें थी, तो वो लिख लेते हैं। तो पीपी में एक तो लैंड था, एक बिल्डिंग थी, एक प्लांट एंड मशीन था और एक फर्नीचर एंड फिटिंग। हाँ, ठीक है। तो इन चारों की वैल्यूज हम ऊपर देख कर आते हैं एक बार कि पहले वहाँ कितनी दे रखी है। अब देखो यहाँ पर 0.2 और 0.3 कवर हो जाएगा हमारा, बिल्डिंग की कॉस्ट, प्लांट की कॉस्ट, फर्नीचर की कॉस्ट, ये दे रखी। तो पहले तो कॉस्ट लिख लेते हैं इन तीनों की, बिल्डिंग प्लांट और फर्नीचर की। ठीक है, कॉस्ट लिख लो, आ जाओ, बिल्डिंग प्लांट और फर्नीचर की। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं कॉस्ट। तो बिल्डिंग की दे रखी है 28 लाख, अंदर ही लिख लो। प्लांट की दे रखी है 49, अंदर ही लिख लो। और फर्नीचर की दे रखी है जी 437,500। ठीक है, तो ये इन तीनों की कॉस्ट दे रखी है। लैंड की हालांकि कॉस्ट नहीं दी उन्होंने नीचे, पहले इतना ओके हो गया। अब हम अंदर चलते हैं, कॉस्ट तो उन्होंने दे दी थी, अब हम अंदर देखकर आते हैं चारों की वैल्यूज। तो लैंड की वैल्यू 14 लाख दे रखी है, तो इसका मतलब लैंड की तो यही वैल्यू होगी, 14 लाख ही होगी। इसका मतलब इस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुआ होगा, और लैंड वैसे भी डेप्रिशिएट नहीं होती, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो इसीलिए लैंड तो अब 14 लाख ही है, तो वही लिख लो और वही बाहर भी लिख लेते हैं। तो लैंड तो सीधे ही बाहर लिख लो, चलो 14 लाख। अब देखो बिल्डिंग की कॉस्ट में हमने क्या लेस करा होगा, डेप्रिसिएशन लेस करा होगा, है ना। तो वो फिगर लेस करके, डेप्रिसिएशन वाली फिगर लेस करके जो वैल्यू बची होगी बुक वैल्यू, वो दे रखी है उन्होंने। तो जैसे बिल्डिंग की वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है, देखो बिल्डिंग की वैल्यू 20,50,000 है ना, इसी तरह प्लांट की और इसी तरह फिक्स्चर की। तो बिल्डिंग की वैल्यू 20,50,000 दे रखी है, ये इसका मतलब बुक वैल्यू दे रखी है 20,50,000। तो समझ गए भाइयों बहनों आप। तो इससे आपको पता है क्या पता चल जाएगा, डेप्रिसिएशन। ये एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पर अब आप निकाल सकते हैं 7,50,000। ठीक है, तो बस ये ऐसे प्रेजेंट करने के काम आता है। अच्छा, बच्चा वैसे इसमें ये कहता है, सर इसका फ़ायदा क्या हुआ, वैसे सोचे, क्योंकि हमारे को बैलेंस शीट में तो 20,50,000 ही लिखना है और वही उन्होंने दे भी रखा है। तो बच्चा कहता है, सर ये हम कर क्यों रहे हैं डिस्क्लोज करने के लिए। तो हमें डिस्क्लोजर पूरे और प्रॉपर करने हैं, तो ऐसा नहीं कि हम छोड़ दें, तो हमें डेप्रिसिएशन दिखाना पड़े। अब इसी तरह प्लांट एंड मशीन, अब हाँ ऐसे इसका निकाल लेते हैं प्लांट और मशीन का। तो इसकी भी आपको बुक वैल्यू गिवन है बाहर, कितनी गिवन है, 36,75,000, 36,75,000। तो अब आप ये बैलेंसिंग फिगर प्लांट की भी निकाल सकते हो कि इसका डेप्रिसिएशन 12,25,000। ठीक है, तो 12,25,000। और इसी तरह फर्नीचर एंड फिटिंग लेस डेप्रिसिएशन, बाहर दे रखी है फिगर 350,000। तो कितना बच गया बैलेंस,
87.5 है। तो ये हमें बस डिस्क्लोजर के लिए बातें दिखाने के लिए करनी है, बाकी इन चारों एसेट्स को जोड़ लो तो पीपी का आंसर आ जाएगा। तो 14 लाख और वो और वो और वो कितना आएगा? 74.75। ठीक, 74,75,000। ठीक है, तो इसको ऊपर जाके बैलेंस शीट में हम लिखाते हैं पीपीई में 74,75,000। फिर नोट नंबर बी में है जी, मतलब बी में है इनटेंजिबल एसेट नोट नंबर 7। तो नोट नंबर 7 में इनटेंजिबल एसेट बना लेते हैं, हालांकि उसमें मुझे लग रहा है एक ही आइटम था, है ना? हाँ, तो हम ब्रैकेट में भी शो कर सकते थे, लेकिन हम और तरीके से करते हैं, हम अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कितने रुपए का? 4 लाख। तो ये तो बस आप डायरेक्ट लिख लो 4 लाख, बैलेंस शीट में भी लिख लो 4 लाख। उसके बाद इन्वेंट्रीज नोट नंबर 8 है, इन्वेंट्रीज तो दो तरह की इन्वेंट्रियां थी इसकी, जहां तक मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है। हाँ, तो बस वो हम एज इट इज शो कर देंगे। एक फिनिश्ड गुड्स था इसका 14 लाख का, और एक रॉ मटेरियल था 3.5 लाख का। वो तो पीएनएल में जाता ना, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस, तो वो तो उसने पहले ही बना के छोड़ रखा है ना। तो हमारे को तो बस एसेट दिखाना है, तो इन्वेंट्री एसेट, तो फिनिश्ड गुड्स 14 लाख, रॉ मटेरियल 3.5 लाख, तो 17.5 लाख रुपए 17,50,000 इन्वेंट्री में लिख लेते हैं। 17,50,000, ठीक है, ओके। फिर ट्रेड रिसीवेबल का नोट नंबर 9, और इसका शायद कोई पॉइंट भी था, वो भी देख लेंगे। हाँ, मतलब कुछ तो था डिस्क्लोज करने से संबंधित, तो अभी करते हैं। तो नोट नंबर 9 ट्रेड रिसीवेबल्स, तो वो देख कर आते हैं चलो क्वेश्चन में, और इसका पॉइंट भी देखते हैं। तो पॉइंट 4 था, तो ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में कह रहा है कि इसमें 3,80,000 रुपए जो हैं उनको 6 महीने से ज़्यादा हो गए ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। तो मतलब इसे खतरा माना जाता है ना कि डेटर 6 महीने हो गए तो अभी तक पैसे नहीं दे रहा, तो ये बात यूज़र को पता होनी चाहिए, तो इसीलिए ये मैंडेटरी होता है। बाकी हमारे ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं? 14 लाख के। तो 14 लाख के ट्रेड रिसीवेबल्स में से हम ये यूज़र को बताएंगे कि यूज़र भाई 3,80,000 वाले जो हैं उन्हें 6 महीने से ज़्यादा हो गए, मतलब इनमें खतरा है, अभी तक 6 महीने हो गए ना, पैसे नहीं दे रहा वो, तो ये बस बताने के लिए करना है। तो हम इसको ऐसे शो करते हैं, तो आप इसमें लिखो ट्रेड रिसीवेबल में डेट्स आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स और अंदर ही लिख लो 3,80,000। और बाकियों को हम कह देंगे भैया अदर डेट्स, तो अदर डेट्स आप बताओ कितने हैं? टोटल तो उसने दे ही रखे हैं ना 14 लाख, 10,20,000। हाँ, तो अदर डेट्स जो हैं वो आपको एक तरह से काइंड ऑफ बैलेंसिंग फिगर की तरह पता चला, 10,20,000। बैड डेट नहीं हो गए,
बैड डेट होते कह देता तो वो तो पीएनएल में जाता, पीएनएल तो बना ही चुका था। भाई ये तो ये है कि खतरा है। तो ट्रेड रिसीवेबल में लिख लेते हैं 14 लाख। तो कोई डाउट दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। उसके बाद सी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 10। तो बस आपको ऐसे करना है, सीक्वेंस में नोट बनाते चलने और वैल्यू निकालते रहनी है। तो नोट नंबर 10 है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें भी मेरे ख्याल से कुछ था डिस्क्लोजर, हाँ कुछ बैंक शैंक का चक्कर था ना, हाँ 18,000 का गंदे बैंक में था। तो बस वही दिखाएंगे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। पहले मेन फिगर देख लेते हैं क्या क्या है। तो एक तो वो डिस्क्लोजर वाली कहानी थी ये रही 0.5 में कि 18,000 रुपये गंदे बैंक में और 5 लाख रुपए जो है वो 9 महीने के लिए डिपॉजिट करा रखे हैं, ये दो बातें ध्यान रखेंगे। और बाकी उन्होंने बैलेंस ये दे रखा, देखो कैश इन हैंड 2,10,000 और बैंक बैलेंस जो है वो 17,29,000। तो ये हम एक एक करके कायदे से सारी बातें दिखाते रहते हैं। तो पहले कैश इन हैंड लिख लेते हैं क्योंकि वो तो सीधा सीधा बाहर आ ही जाएगा। कैश इन हैंड 2,10,000 अब कैश एट बैंक में ऐसे लिख लेते हैं विद शेड्यूल्ड बैंक और दूसरा लिख लेते हैं विद नॉन शेड्यूल्ड बैंक या विद अदर्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, चलो नॉन शेड्यूल्ड ही लिख लेते हैं। और एक वो भी लिख लेते हैं डिपॉजिट फॉर 9 मंथ्स। उसने ये तीन मतलब दो बातें बताई थी ना, बाकी ये तीनों का टोटल हमें पता है कि वो कितना है 17, 29। तो ये हमें पता है लेकिन हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया एक तरह से एग्जाम का मतलब क्वेश्चन का 5th पॉइंट है ना। तो 5th पॉइंट की कहानी ये डिस्क्लोज हो गई। तो अब गंदे बैंक में कितना रख रखा है हमने, गंदे बैंक में 18,000 गंदे बैंक में और 9 महीने वाले डिपॉजिट में कितना रख रखा है 5 लाख। तो बस ये निकाल लो बैलेंसिंग की अच्छे बैंक में कितना 12,11,000। तो क्लियर है भाई सबको कहानी, ठीक है। बस बाकी टोटल कर लो इनका कितना है। अच्छा वो भी एक, अच्छा तो पहले इसका कितना हो गया 19,39,000। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख लो 19,39,000 19,39,000। अच्छा नोट्स तो खत्म हो गए ना, नोट्स तो क्लोज कर दूं। कैश एट, हाँ और कैश एट बैंक में 17,29,000। दोनों का टोटल आ गया 19,39,000। ठीक है क्लियर है। चलो बस बाकी लास्ट आइटम तो एज इट इज दे रखा है, गिवन वो चेक लेते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस कितना दिया था उसने, ये रहा 298,900। तो बस ये लिखो माँ सरस्वती का नाम लेकर टोटल करो और देखो कि भाई क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। चलो तो इसका मतलब हम होशियार हैं, 1,32,62,900।
तो ये बन गई बैलेंस शीट। ठीक है, नहीं नहीं ये 20 नंबर का कहाँ है, ये तो 8-10 नंबर का है बस, तो थोड़ा ज़्यादा वेटेज। पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों आएगा तो ज़्यादा वेटेज का होगा। बट क्लियर हो गई कहानी सबको? चलो ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के नीचे आपकी बुक में होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो 7 कर लिया ना, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने आप करना, उसमें भी आपको बैलेंस शीट बनानी है। ये वाला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय अल्फा लिमिटेड प्रिपेयर, देखो लिखा भी है बैलेंस शीट है ना, तो इसमें भी बस आपको बैलेंस शीट बनानी है। चलो ठीक है, तो कोशिश करनी है आप 25-35 मिनट्स में मतलब कर लो सुंदर सुंदर। चलो तो पहले मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आप बताना। तो आइटम वाइज आइटम पहले फटाफट बताते रहना। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल को कहाँ पे चिपकाया, ठीक है शेयर कैपिटल में, बाकी कॉल से नरियर को उसमें से माइनस कर दिया होगा, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग पीपीई, प्लांट पीपीई, फर्नीचर पीपीई, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन फ्रॉम एसएफसी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म एडवांस डायरेक्ट हो गया, पीएनएल अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस में, बाकी कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अनसिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल डायरेक्ट हो गया, और लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बाकी एडिशनल इन्फो में दे रखा था नंबर 1 पॉइंट, इक्विटी शेयर जो है वो हमने इशू करे कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो डिस्क्लोजर हो गया है तो खाली। ट्रेड रिसीवेबल में 2,60,000 ड्यू फ्रॉम मोर देन 6 मंथ्स, ये भी डिस्क्लोजर हो गया सेम। कॉस्ट ऑफ द एसेट्स दे रखी हैं बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर, तो इससे आप क्या निकाल लोगे, डेप्रिसिएशन, ये भी सेम। फोर्थ में दे रखा है कि बैलेंस ऑफ 7,50,000 इन द लोन फ्रॉम एसएफसी इज इंक्लूसिव ऑफ 37,500 फॉर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, द लोन इज सिक्योर्ड, ये वो। तो बस इसमें ये है कि जो हमने लोन ले रखा है एसएफसी से 7,50,000 का, कहाँ है ये रहा, ऊपर है, अच्छा हाँ ये रहा, तो जो हमने एसएफसी से लोन ले रखा है 7,50,000 का, तो वैसे तो हमारे लिए ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है राइट, लेकिन वो ये कह रहा है कि इसमें से 37,500 रुपये इंटरेस्ट के हैं, तो वो आप माइनस कर देना इसमें से 37,500, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है, जो लोन का इंटरेस्ट होता है, जो अभी तक मतलब हमारा इंटरेस्ट एक्रूड होता है बट नॉट ड्यू, उसको हम एक करंट लाइबिलिटी मानते हैं, तो ये आपकी सब हेडिंग अदर करंट लाइबिलिटीज में चली जाएगी 37,500 अंडर द हेड करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो क्लियर हो गया 37,500, बाकी उसके बाद नंबर 5 ये भी डिस्क्लोजर है कि हमने बैलेंस 10,000 रुपये गंदे बैंक में रख रखा है नॉट शेड्यूल्ड। 6 में कह रहे हैं ट्रांसफर 20,000 रुपये टू जनरल रिजर्व इज प्रपोज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि हमें अपने प्रॉफिट में से, तो ये जो प्रॉफिट है इसमें से आप 20,000 रुपये कम कर देना और वो हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने हैं, तो जनरल रिजर्व में आप 20,000 रुपये ऐड कर दें। तो ये बात सिर्फ नोट्स में आपको दिखाने में काम आएगी, तो प्रॉफिट में से 20,000 कम कर देना और जनरल रिजर्व में 20,000 कम कर देना।
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर्ड 5% ऑन पेड अप कैपिटल. तो ये जो फाइनल डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है ये एक सिर्फ कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है. बिल्कुल सही. तो बाकी जिन्होंने बनाए वो बच्चे चेक कर सकते हैं. चेक कर लिया ठीक है. तो शेयर कैपिटल यही आ रही है 4995. ठीक है. रिजर्व एंड सरप्लस 14,83,500. लॉन्ग टर्म बोरोइंग 13,17,500. ट्रेड पेबल तो डायरेक्ट गिवन था. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में 2,00,000 जो रिलेटेड पार्टी से लोन लिया था. और ये देखो वो अदर करंट लायबिलिटी में आ गया इंटरेस्ट. हाँ हम ज़्यादा अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नोट्स में शो करते हैं. उसके बाद पीपीई तो आपको गिवन ही होगा सेम. और करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस. हाँ और अदर होगा. हाँ तो नोट्स भी देख लेते हैं एक जस्ट फॉर द रेफरेंस. तो शेयर कैपिटल का नोट आपका लेस पॉलिसी नरियर यही होएगा सेम. बाकी रिजर्व एंड सरप्लस में आप ये देख लो, जनरल रिजर्व में 20,000 ऐड कर रखा है और पीएनएल में से 20,000 माइनस कर रखा है. फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप देखो एसएफसी वाले लोन में से 37,500 माइनस कर रखा है. और उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग सिंपल है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी डायरेक्ट है. पीपी में आपने भी ये बैलेंसिंग फिगर निकाले होंगे डेप्रिसिएशन के, तो यही निकल रहे हैं ठीक है. और इन्वेंट्री तो डायरेक्ट दे रखा है. बाकी ट्रेड रिसीवेबल में 6 महीने से ज़्यादा वाले थे 2,60,000 तो बचे हुए आपके होंगे 7,40,000 यही आ रही. मोर देन 6 मंथ्स है. और अदर अदर नहीं, इतना समझदार नहीं है ना यूजर. यूजर को दिखाना है कि अदर कितना है. अब ऐसी देखो कैश एंड बैंक बैलेंस देख लो. अब गंदे बैंक के साथ तो हमने कितना रख रखा था 10,000. तो शेड्यूल्ड वाले के साथ इसका मतलब 12,25,000. बाकी कैश इन हैंड डायरेक्ट दे ही रखा था ठीक है. मतलब सिंपल है कहानी हो गई, कोई दिक्कत तकलीफ तो किसी को नहीं. चल ठीक है. तो बस आज का एक ही क्वेश्चन है होमवर्क में आपका, इलस्ट्रेशन 6 जो है ये आप करना होमवर्क में. बाकी रेफरेंस के लिए बताया तो ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी है इलस्ट्रेशन 2 का, जो आपने इलस्ट्रेशन 2 करा होगा है ना उसका सेम कॉपी है. तो एक इलस्ट्रेशन 6 बस एक करना आज होमवर्क में, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में और करेंगे.